हेलो गाइस, स्वागत है आपका मॉडल के एम स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन और हमारा लेक्चर है टू। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पंक्चुएशन के बारे में पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया था कि पंक्चुएशन क्या होती है, पंक्चुएशन के इम्पोर्टेंट मार्क्स बताए थे और उनके एक रूल भी मैंने करवाया था। तो कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो मैंने बताया था आपको कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड रूल है वो है फुल स्टॉप, कि फुल स्टॉप का प्रयोग एक सेंटेंस में हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला रूल है इसका एट द एंड ऑफ सिंपल और इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी कि किसी भी सिंपल और इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में हम क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। राम एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो ये कौन सा वाक्य है, तो ये वाक्य है हमारा सिंपल। तो सिंपल वाक्य के एंड में हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। इंपेरेटिव सेंटेंस पोस्ट दिस लेटर, तो ये कौन सा वाक्य है, ये वाक्य है इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, जिस वाक्य में कोई ऑर्डर दिया हो, कोई एडवाइस कर रखी हो, कोई मनाही कर रखी हो, तो वो कौन से वाक्य होते हैं, वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे डोंट प्लक द फ्लावर, फ्लावर्स फूलों को मत तोड़ो, तो ये क्या है, ये एडवाइस कर रखे, क्या कर रखी है, एडवाइस भी कर रखी है इसके अंदर और इसके अंदर मनाही भी कर रखी है। तो ये कौन सा वाक्य है, ये इंपेरेटिव है। तो हम इंपेरेटिव और सिंपल वाक्य के अंत में क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप। सेकंड रूल है इसका विद एब्रीवेशन, विद एब्रीवेशन। सबसे पहले तो हमें एब्रीवेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि एब्रीवेशन क्या होते हैं, किसी भी बड़े रूप का छोटा रूप, उसको बोलते हैं हम एब्रीवेशन। जैसे MBBS, तो MBBS ये क्या है, एब्रीवेशन है। यानी कि इसका जो डिटेल जो रूप है, यानी कि इसका क्या होगा, वो बैचलर इन मेडिसिन और बैचलर इन सर्जरी, MBA, मास्टर इन बिजनेस एप्लीकेशन, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MCA, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ML वर्मा, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, एब्रीवेशन। तो एब्रीवेशन के साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, तो एब्रीवेशन के साथ भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो थर्ड जो रूल है हमारा
तो थर्ड रूल है हमारा कॉमा। कॉमा कौन सा होता है? ये वाला। तो कॉमा का प्रयोग कहां कहां करेंगे? नंबर एक, टू सेपरेट नाउन्स और एडजेक्टिव्स, टू ईच अदर। नाउन और एडजेक्टिव को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉन्ट ए पेन, ए पेंसिल, एन इंक पॉट, ए रबड़, एंड ए शॉर्पनर। तो ये सब क्या है? ये है नाउन। क्या है? ये नाउन है। तो नाउन को एक दूसरे नाउन से अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए भी हम कोमा का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, ही इज काइंड, ऑनेस्ट, ब्रेव एंड हैंडसम। तो ये सब क्या है? ये है एडजेक्टिव, जो किसी की विशेषता बताते हो। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता बताते हो कि वह क्या है, वह दयालु है, ईमानदार है, बहादुर है और हैंडसम है। तो यह है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए भी हम कोमा का प्रयोग करते हैं। और जो लास्ट के जो दो नाउन या एडजेक्टिव हैं, तो उनके बीच में हम क्या यूज़ करते हैं? उनके बीच में हम एंड का यूज़ करते हैं। रूल नंबर सेकेंड, इनडायरेक्ट स्पीच। इन डायरेक्ट स्पीच यानी कि डायरेक्ट स्पीच में बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? उसके लिए भी हम बीच में कोमा का प्रयोग करते हैं। ही सैड टू मी, वी हैव वॉन द मैच, तो जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का जो वाक्य होता है, ये वाला वाक्य, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वाक्य होता है, उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। आज सुन में, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में हम क्या यूज करते हैं? उसके बीच में हम कोमा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रूल नंबर थर्ड,
यस या नो के पश्चात। यस या नो के बाद, यस या नो के बाद भी हम किसका प्रयोग करते हैं? कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे यस यू कैन गो देयर, नो आई कांट डू दैट, यस यू कैन यूज इट। तो यस या नो के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? कोमा का प्रयोग करते हैं। नंबर फोर, व्हेन, एज, इफ, इफ से शुरू होने वाले क्लोज को मेन क्लोज से अलग करने के लिए, मेन क्लोज से अलग करने के लिए। व्हेन, एज, इफ से शुरू होने वाले क्लोज को मेन क्लोज से अलग करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए भी हम कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन आई सा ए लायन, आई रेन अवे, आई रेन अवे। एज आई वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल, आई मीट मोहन। तो व्हेन, एज, इफ से शुरू होने वाले क्लोज को मेन क्लोज से अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कोमा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रूल नंबर फाइव, विद अपोजिशन, विद अपोजिशन। अपोजिशन मीन्स यानी किसी भी पद या पदवी को बताने के लिए या किसी शब्द के साथ लगकर वाक्या करने के लिए। जैसे अकबर द ग्रेट इज ए फेमस रूलर, यानी कि अकबर, अकबर को किस चीज़ की पदवी मिली हुई थी? द ग्रेट, महान की पदवी मिली हुई थी। यानी कि अकबर द ग्रेट इज ए फेमस रूलर। रामलाल द पोस्टमैन रामलाल कौन है? उसकी पदवी क्या है? कि वो एक पोस्टमैन है। तो उसको हम किसके अंदर करते हैं? तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। तो रामलाल द पोस्टमैन इज ए वेरी रूड पर्सन। तो दैट इज द रूल ऑफ कोमा। बच्चों आपको ये रूल्स समझ में आ गए होंगे। तो इतनी मेहनत के बावजूद भी यदि किसी बच्चे के कोई रूल समझ में ना आया हो तो
तो वो इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके पूछ सकता है। दैट्स ऑल।